हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब भाई? वो बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो चुका है और मैं नहा कर रेडी हो चुकी हूँ और पीछे कुछ सामान रखा हुआ है। तो अभी मैं पापा जी से आशीर्वाद भी ले ली और फिर गर्म पानी और काढ़ा भी दे दी मैं बनाकर। तो अब चलते जल्दी से, नाश्ता रेडी करना है तो वो बनाएंगे और फिर उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। चलिए दिखाते हैं कि अभी मैं क्या करने जा रही हूँ। और फिर अभी मम्मी जी से भी मेरी बात हुई है तो अब मुझे और पापा जी को रहना होगा यहाँ। बाकी चलिए, खैर वो सब बात की बातें हैं। चलिए मैं अब दिखाती हूँ कि अब मैं क्या करने जा रही हूँ। तो यहाँ मैं किचन में आ गई और फिर अब उसके बाद यहाँ पे गोभी और फिर आलू छील कर रखा हुआ है और फिर है प्याज, है सागा प्याज। तो अब चलते जल्दी जल्दी नाश्ता बनाते हैं। अब मुझे आलू कट करना होगा, पतला पतला भुजिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे एप्पल काट कर रखा हुआ है तो अभी पापा जी को भी देंगे खाने के लिए और फिर मैं भी खाऊंगी। तो चलते हैं, अभी एकदम सुबह का टाइम हो चुका है। देख सकते हैं आप लोग बाहर का नज़ारा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। विंडो खोलने के बाद एकदम ठंडा ठंडा थोड़ा हवा भी आता है और सुबह का हवा आप सबको पता ही होगा कि कितना ज़रूरी होता है। तो अब रहने देते हैं और बाकी यहाँ आंटी जी सब्जी कट कर रही हैं। तो गाइस यहाँ पे अब मैं यहाँ पे गोभी भूज रही हूँ और यहाँ पे आलू में पतला पतला भुजिया काट दी हूँ। बाकी यहाँ प्याज है तो अब मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ नाश्ता। फिर उसके बाद देखेंगे आप दोपहर में क्या बनाएंगे। तो चाहिए मुझे देते उसको। बाकी यहाँ आटा भी बना चुका है, अब रहने देते हैं और फिर और जो भी करेंगे यहाँ पर आपको फिर दिखाऊंगी। बाकी अगर पापा जी को मैं फिर काट कर दे दी, पापा जी भी बना लिए, पूजा कर ली है और अब थोड़े देर के बाद नाश्ता करने के बाद अब वो भी अपनी बेटी को जाएंगे। बाकी यहाँ पे अभी फ्राई वगैरह प्याज जैसे सागा प्याज है और यहाँ पे मैं गोभी फ्राई कर चुकी हूँ और यहाँ पे रखा हुआ है एप्पल। अब मैं इसको कट करूँगी और फिर मैगी खाऊंगी एप्पल। तो गाइस अभी मैं यहाँ आ गई हूँ और मुझे यहाँ पे बेडशीट भी देना है और मैं चल रही हूँ अपने रूम में देखने कि और सब क्या क्या है। तो मैं कुछ इतनी दिखाती हूँ और यहाँ पे ये वहाँ से सो रहे हैं। तो यहाँ पे ये सो रहे हैं, इनको इतना नींद आ रहा है। और आपको बता दूँ यहाँ पे इतनी सारी जितनी भी है सारा कपड़ा धोना है मुझे। तो मैं सोच रही हूँ उधर काम भी कर रही हूँ और फिर इधर मैं चल रही हूँ वॉशिंग मशीन में डाल दे रही हूँ, धुल जाएगा। बाकी अभी रूम तो मेरा एकदम जैसे तैसे हुआ है तो अब इसको सब धीरे धीरे अरेंज करेंगे और काफ़ी गर्मी भी लग रहा है। और वो देखिए कैसे सो रहे हैं। तो चलिए अब दिखा दे बाहर का। यहाँ भी सामान सब जैसे जैसे, अब धीरे धीरे कर कर मैं इसको भी क्लीन कर दूँगी जितना हमसे हो पाएगा। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी मैं सुबह में नाश्ता बना ली और पापा जी और फिर अपने हस्बैंड को भी दे दी। सब लोग नाश्ता कर लिए और अभी मैं भी कर ली हूँ। तो अभी बस थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड निकलेंगे, अभी गए हुए किसी काम से बाहर तो आते हैं तो फिर वो निकलेंगे। और बाकी अभी तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा और मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। देखिए यहाँ सामान सब पैक कर दिए, वहाँ खाने पीने वाला सामान है, बाकी यहाँ पे एक ट्रॉली है और बाकी उनका एक छोटा सा कैरी बैग है।
तो वो है, तो अब बस बहुत जल्द अब थोड़े दिन में निकलेंगे ही। और चलिए मैं आप अपने रूम का कंडीशन दिखाती हूँ कि मेरे रूम का क्या हाल हुआ है। तो अब मैं सब धीरे धीरे सब कुछ अरेंज करूँगी, किचन में भी मुझे अरेंज करना है, बाकी डाइनिंग हॉल में भी। तो अब सब धीरे धीरे मैं सब कुछ जितना मुझसे हो पाएगा मैं पूरी ट्राई करूँगी कि हाँ मैं सब कुछ ठीक करूँ, और उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे रूम का क्या कंडीशन है, पूरा एकदम जैसे तैसे हुआ, यहाँ कपड़े रख। तो गाइज अभी मैं अपने रूम में आ गई हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहाँ से स्टार्ट करूँ सामान अरेंज करना, कहाँ से नहीं करूँ, क्योंकि इतना सामान जैसे तैसे हो गया ना कि क्या करें। खैर मैं सोची थी कि यहाँ आऊँगी मेरे हस्बैंड मेरा हेल्प करेंगे, लेकिन हेल्प करने की वजह ये जा रहे हैं किसी काम से बाहर। बाहर क्या जा रहे हैं, अभी यहाँ पे हैं ये, बैंगलोर बैंगलोर जा रहे हैं, तो जाने देते हैं क्योंकि जाना बहुत ज़रूरी है। और बाकी आप लोग को तो देखने को मिलेगा ही, और आप लोग देखिएगा, और हम यहाँ पे अकेले पड़ जाएंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है जो बिना फैमिली का, बिना फैमिली का क्या, बस पापा जी रहेंगे यहाँ पे और मैं रहूँगी, और हो सके तो मैं, मेरी छोटी ननद है मैं उनको बुला लूँगी, पापा जी को बोलूँगी लेकर आ जाइए। तो देखते हैं अभी आती हैं वो कि नहीं आती, अगर वो आ जाती है तो हम रहेंगे और एकदम अच्छे से, जैसे अनुष्का वो भी मेरे साथ रहती थी, वो रहती थी तो मुझे अच्छा भी लगता था। और फिर कुछ भी होता था, भाभी ये बात, चाहे मुझे भी कुछ भी होता था मैं बोलती थी बभी ये बात, बभी ऐसे, बभी ये मेरा काम कर दीजिए, वो ला दीजिए, तो मेरा हर काम कर देती थी। और अभी अभी मैं अकेले रहूँगी तो मैं किसको बोलूँगी, पापा जी भी रहेंगे, पापा जी अपनी ड्यूटी पे रहेंगे और मैं अकेले घर में। तो देखते, वैसे पापा जी बोलते हैं कि तुमको जो कुछ चाहिए, जो ज़रूरत हो वो तुम मुझे बोल देना, कॉल कर देना या फिर लिख कर दे देना तो मैं ला दूँगा। तो मैं बोलती हूँ ठीक है, तो वो सब है। बाकी फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, अभी मेरे हस्बैंड निकलने वाले हैं तो अब उनको पहले छोड़ दें, उसके बाद आप लोग से बात करते हैं। बाय बाय। तो गाइज अभी मेरे हस्बैंड भी चले गए और फिर मैं बच गई हूँ और वो सिमी बच गई है। बाकी अभी पापा जी अपनी ड्यूटी पे हैं तो मैं सोची थी कि जल्दी जल्दी जो काम है मैं कर लूँ, तो थोड़ा बहुत काम हुआ है, बाकी और काम बचा हुआ है तो मैं जा रही हूँ, अब धीरे धीरे करूँगी। और बाकी मुझे दोपहर का भी खाना बनाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले खाना बना लूँ, उसके बाद मैं जो काम बचा हुआ वो कर लूँगी। बाकी चलिए मैं आप लोग से दिखाती हूँ। तो अभी मेरा काम कंप्लीट हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा आराम करूँगी, और पापा जी अपनी ड्यूटी हैं तो अभी तक वो आए नहीं हैं, तो आएंगे तो फिर पापा जी खाएंगे, फिर उसके बाद मैं खाऊँगी। तब तक आप लोग ब्लॉग को देखिए। बाय बाय, लव यू ऑल।